अच्छा, पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त, ये प्लीज जो भी इन हो रहे हैं अपने नाम के साथ प्रॉपर हों, ठीक है। पाकिस्तान जब बना था तो उसमें जो बहुत ज्यादा जो जो बाहर से जो हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, रेमिटेंस के तौर पे कह ले या किसी तौर पे कह ले, जो जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को माइनस करता है, वो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो कौन सा था? वो था आपका, जो लोग पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड काम कर रहे होते हैं और अपना जो पैसा जो है वो वहां से बेचते हैं, तो उसका बहुत बड़ा शेयर था पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोगों को, स्किल्ड वर्कर्स को, या डॉक्टर्स को, या इंजीनियर्स को, या टीचर्स को, या जो भी टेक्निकल लोग हैं, अगर उनको बाहर भेजते हैं, तो उसको भेजने में फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है? जी, पाकिस्तान की या उस कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आते हैं अगर ह्यूमन कैपिटल आप ट्रांसफर करते हैं तो? जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? सर, जो अच्छे अच्छे जो काम करने वाले होते हैं उनको बाहर भेजते हैं तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही इकोनॉमी डाउन है और बाहर मुल्क वाले ये करते हैं कि जो अच्छे अच्छे बंदे होते हैं वो हम हमसे ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, तो इस पर बहुत बड़ा इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। अच्छा, ये नेगेटिव इफेक्ट है कि हमारे जो स्किल्ड लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो वो यहाँ के लिए कुछ कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही है? यस सर, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते और वो भी अपनी अपनी इख्तियार से जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही होती है, यहाँ पे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती, तो वो वहाँ बाहर मुल्क वाले उनको ले लेते हैं और वहाँ पे अपना काम निकलवाते हैं। अच्छा, इसका इसका ये तो नेगेटिव पहलू आ गया कि जो लोग हमारे पाकिस्तान में, जिनको हम यूज कर सकते थे बेहतरी के लिए, वो अब वो बाहर के लोग, दूसरे लोग यूज कर रहे हैं। इसका पॉजिटिव पहलू क्या होगा? पॉजिटिवली इफेक्ट क्या होता है? सर हमें ये करना चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट है या कोई भी इदारे हैं जो पाकिस्तान में, उनको इन लोगों को अपनी कंपनी में या एकेडमी में रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, देखिए, अभी आपने, आप में से किसी ने बात की थी कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर, आ यस रही। सर। अभी यस आपने सर, कहा कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर आप कहते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं, सरप्लस स्किल्ड लोग हैं, उनका फिर क्या करें? उनको तो जॉब नहीं मिल रही। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है जो हमारे पास बहुत ज्यादा है, इनका क्या किया जाए? फिर ये बाहर चले जाएंगे। बाहर जाने पे इकोनॉमी पे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा पॉजिटिव? जी, सर वो जो मतलब वहाँ पे जॉब करेंगे, अच्छी जॉब वगैरह जो भी हो सकती है, ठीक है, तो वो जो सैलरी वगैरह भेजेंगे पाकिस्तान की, तो उससे टैक्सेस वगैरह भी कटेंगे। इसके अलावा अगर वो मतलब गवर्नमेंट के फंड उसमें जाएंगे, तो ये एक मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सर वो अगर वहाँ पर काम करेंगे तो जी अगर जी बिल्कुल उनके पास कैपिटल अच्छा जमा होगा तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी वो बहुत से लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं सर। अच्छा, देखिए, अगर कोई भी पर्सन अगर दुबई में काम करता है, हमारे हमारे पाकिस्तान के बहुत से लोग दुबई में काम करते हैं या सऊदीया में काम करते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। चले सऊदीया की बात करते हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग सऊदीया में काम करते हैं। अच्छा, ये माइक ऑफ कर लिया करें प्लीज, बात करके ना माइक ऑफ कर दें। तो सऊदीया में अगर काम करते हैं हमारे हजारों लोग, और जब उनको सैलरी मिलती है, तो वो अपनी सैलरी पाकिस्तान में जो अपनी फैमिलीज होती है उनको बेचते हैं। अच्छा, ये जो पैसे आते हैं, क्या ये उड़ के आते हैं? कैसे आते हैं? ये तो ट्रांसफर होते हैं ना, कि वहां का बैंक जो है पाकिस्तान के बैंक में ट्रांसफर करता है, ऐसा ही है ना? ये माइक जिसका भी ऑन है जी प्लीज सर, ऑफ कर दें, जी सर, ठीक है। जी सर, अब यस सर, माइक ऑफ रखें प्लीज, अब बात करके माइक ऑफ कर देख रहे हैं ताकि वो ना हो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? ये माइक अभी भी किसी का ऑन है, अच्छा मैं म्यूट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अगर सऊदिया के पास पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं और हर महीने सैलरी भेजते हैं, तो वो पैसा तो पाकिस्तान में आ रहा होता है ना?
और वो पैसा आता कैसे है? देखिए वो एक एडजस्ट होता है पैसा। अच्छा कैसे एडजस्ट होता है पैसा? कि अगर हमने पाकिस्तान ने 10 करोड़ रुपए का इस मंथ में ऑयल लिया, फॉर एग्जाम्पल, किससे लिया? सऊदीया से लिया, तो वो पैसे हमने सऊदीया को देने होते हैं। अब सऊदीया को हमने 10 करोड़ देना है, सऊदीया हमें ऑयल दे चुका है, और ज़्यादा पहले हमें ऑयल वाला हमें उधार ही मिलता है, मगर उसमें से होता यह है कि वहां के जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्होंने इस महीने पैसे भेजे हैं 7 करोड़, तो सऊदीया गवर्नमेंट क्या करती है कि वो पैसे अपने पास रख लेती है और उन 10 करोड़ में से एडजस्ट कर देती है। बात समझ आ रही है? यानी सऊदी गवर्नमेंट ने हमसे 10 करोड़ रुपया लेना था क्योंकि उसने हमें ऑयल दिया था, तो हम क्या करते हैं, वो जो पैसा वहां से होता है क्या होता है, बाहर का जो पैसा होता है जो वो ट्रांसफर करते हैं, हम उसमें से एडजस्ट करवा लेते हैं क्योंकि वहां तो ट्रांसफर हो रहा होता है ना। तो कहने का मकसद ये होता है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को 7 करोड़ वहां एडजस्ट हो गए उनकी सैलरीज वगैरह, और 3 करोड़ पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना होगा, और यहां से गवर्नमेंट जो होती है अपने बैंकों से, जो नेशनल बैंक होते हैं, वहां से उन लोगों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। कहने का मकसद ये होता है, इसकी जो बेसिक टर्मोलॉजीज है आप इसको पढ़िएगा, मैं इस बारे में बात करूंगा, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब क्या होता है कि वो डिफरेंस होता है जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है वो आपको पे करना होता है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल चले इसको इस तरह से लें कि अगर हमने दुबई को से हमने 1 करोड़ की इम्पोर्ट की और 6 करोड़ की एक्सपोर्ट की, ठीक है, यानी हमने माल जो है कम बेचा है और खरीदा ज्यादा है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो आपको कैश में पे करना होता है। तो कैश में आप नहीं पे करते हैं, वहां के जो लोग होते हैं जो आपके पास वहां जॉब कर रहे होते हैं उनकी सैलरी जो यहाँ ट्रांसफर हो रही होती है उनसे वो एडजस्ट हो जाता है पैसा। ठीक है, बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट? जिन जिन कंट्रीज में जैसे यूएसए हो, इंग्लैंड हो, ठीक है, चाइना हो, जापान हो, तो पाकिस्तान उनके साथ एक बिजनेस कर रहा है, एक ट्रेड कर रहा है, कुछ खरीद रहा है कुछ बेच रहा है, तो उसका जो बैलेंस होता है, ज़रा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है इम्पोर्ट के ऊपर, वो ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा होता है, तो फिर इम्पोर्ट अगर ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो उसका जो बैलेंस है वो पे करना होता है कैश की शक्ल में, तो वो फिर वो नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं जो पैसा वहाँ कमा रहे होते हैं और पाकिस्तान भेज रहे होते हैं तो वो उन पेमेंट में एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आपकी बहुत सारी फोर्स, पाकिस्तान में देखो आबादी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर ये स्किल्ड हो, अगर ये पढ़े लिखे हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छे इंजीनियर्स हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, ठीक है, अच्छे टेक्निकली पर्सन्स हो, वट एवर जो भी हो, जिस फील्ड से भी हो, अच्छे टीचर्स हो, तो ये बाहर उनको, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कम होंगी तो इनको बाहर जॉब मिल जाएगी, जब ये पैसा कमाएंगे तो ज़रा पाकिस्तान ही भेजेंगे, या तो वो पाकिस्तान में आएगा या फिर वो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्ट होगा। तो इसमें ये पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है बताएं जरा इकोनॉमी के लिए? उधार है, मतलब किसी मुल्क को उधार है तो वो पैसे भेज रहे, तो हमारे बंदे वो पैसे भेज रहे लेकिन वो कट रहे, तो पाकिस्तान तो वही माइनस में जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर वो बंदा बाहर जाके जॉब ना करता तो कैसे कटते? फिर तो पैसे देने पड़ जाते ना। ये तो बात है कि वो पैसे तो कट रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को देने हैं, तो भाई खाली एक थोड़ा सा आप एग्जांपल दे, हमने 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 यहाँ पैसा कमा के नहीं उनको दिया ना, हमने उन्हीं का पैसा उनको दे दिया, हमारे लोगों ने वहीं जाके उनको वहीं पैसा कमा के उनको दे दिया। सर हमारे यहाँ बाज लोग भी करते हैं, वो हवाला यूज करते हैं, वो बैंक के थ्रू प्रॉपर चैनल पैसे भेजते ही नहीं है, तो इससे भी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है। वो एक अलग चीज़ है, वो एक इलीगल चीज़ होती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल अब हो गया है, ठीक है ना, हुंडी के थ्रू लोग बेचते थे पैसे, इस तरह से बेचते थे, अब वो उसका थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा उस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप हो गई है, अब ज़्यादातर बैंकिंग के थ्रू ही आता है पैसा, ठीक है, या अगर कोई करेंसी लेके आ रहा होता है या वो गोल्ड की शक्ल में लाता है या कोई किसी गुड्स की शक्ल में लाता है तो उस पर ज़्यादा के
कोई ना कोई टैक्स होता है, ठीक है, और कस्टम वर्क ड्यूटीज होती हैं, तो ये चीजें तो होती हैं, मगर वो एक अलग चीज है, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बात कर रहे हैं, वो जरा कई चीजें लीगल होनी चाहिए, लीगल होंगी तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। अगर कोई गवर्नमेंट को टैक्स ही पे नहीं करता या लीगली काम नहीं करता तो जरा वो एक अलग कहानी है ना, और वो चीज जरा नहीं होनी चाहिए, सही कह रहे हैं आप। हम जो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल अगर आपके पास समय ज्यादा है और जो है तो ये भी एक एसेट है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए हमारे नौजवान जो है, हमारा जो आज का जो नौजवान है, आज का जो यंगस्टर है, अगर आप उसको अच्छी तालीम दें, अच्छे मैनर्स के साथ उसको रखें, आप उसको अच्छा डॉक्टर बनाएं, अच्छा इंजीनियर बनाएं, अच्छा बिजनेसमैन बनाएं, ठीक है, अच्छा उसको एक टेक्निकल वर्कर बनाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वो ये होगा कि वो आपकी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, एज वेल एज उसको अगर बाहर वो जाता है, उसको बाहर से ऑफर होती है, क्योंकि हमारे पास तो लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, हम बाहर भी भेज सकते हैं। हम जब बाहर उसको भेजेंगे तो वो वहां पैसा कमा के पास भेजेगा, या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कन्वर्ट होगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। किसी भी कंट्री की अगर आबादी ज्यादा है तो आबादी ज्यादा को आप क्या कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना है या जापान है या यूएसए है, इनकी आबादी भी तो ठीक है, ज्यादा है, मगर आपको पता है कि इनका जो रेशियो है ओल्ड एंड यंग का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखो पाकिस्तान और इंडिया एक दोनों कंट्री ऐसे हैं जहां पे यंगस्टर का रेशियो ज्यादा है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी बेस करती है वो यंगस्टर्स के ऊपर करती है, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है, आई थिंक कोई और भी कंट्री मेरे जहन में नहीं है, ये दो ऐसे कंट्री हैं जिनका रेशियो ज्यादा है। जबकि आपको पता है चाइना में भी, चाइना को कहते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मगर वहां ओल्ड का रेशियो ज्यादा है, यंगस्टर नहीं है। अमेरिका में भी यही है, ओल्ड रेशियो ज्यादा है, इंग्लैंड में ओल्ड रेशियो ज्यादा है। तो आप अपने यंगस्टर्स को किसी पॉजिटिव चीज में लगाएंगे, अगर पॉजिटिव में नहीं होगा तो भाई फिर वो फिर नेगेटिव में जाएगा ना। तो आपकी सोसाइटी में अगर आपका नौजवान मायूस होके किसी गलत रास्ते में है और वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो जाहिर है कि फिर आपकी गवर्नमेंट और आपकी माशरे, आपकी सोसाइटी और आपका जो एक वो खानदानी फैमिली सिस्टम है, उसकी उसकी नाकामी है ना। तो आप पहले उसको पॉजिटिव बनाए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं इसको। यहाँ पे द टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी जो है वाइड फाइव 95 मिलियन पाकिस्तान हैव मोबाइल, अब ज्यादा हो गए, ठीक है, और वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम बैंकिंग सर्विस, इंफॉर्मेशन ऑन द क्लाइमेट, वेदर, एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन, हेल्थ, एजुकेशन। पाकिस्तान के हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, तो आप उनको मोबाइल फोन को जिसके पास है तो आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्लाइमेट की, वेदर की, एग्रीकल्चर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, जिस जिस फील्ड में है वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेट हो सकता है, अवेयरनेस ले सकता है, अपने स्किल्स को बेहतर कर सकता है, और जितने ज्यादा उसके स्किल बेहतर होते जाएंगे वो उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा आपकी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इट इज अ पावरफुल टूल विच कैन लीपफ्रॉग अ लॉट ऑफ टाइम विच वी हैव वेस्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, पार्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज समथिंग विच नीड टू बी डन, ठीक है। तो ये आपकी, अच्छा यहाँ पे एक और यूज था ह्यूमन कैपिटल के पास टेक्नोलॉजी का। अच्छा, टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो दी हुई है एक यहाँ पे, वो तो आपको पता ही है। एक और एक दो चीजें आप और भी ऐड कर सकते हैं। आपकी जो एग्रीकल्चर है वो सारी की सारी बेस करती है ओल्ड चीजों पे। आप कभी गांव गए होंगे, वहां वही पुराने तरीके जमाने, अगर वो नए तरीके जमाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। आपकी फैक्ट्री जो है, आपकी इंडस्ट्री है, वहां जितने भी मशीनें हैं वो पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी वो नहीं लेके आ रहे। अगर नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो आपकी ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। अच्छा, उसकी उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी चीप होगी, कम होगी। हेलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सर, अगर टेक्नोलॉजी को हम एडवांस करेंगे तो इससे तो हमारी लेबर फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जदीद होने की वजह से जॉब लूज होती है। ये एक अलग मौजू है, ठीक है, ये एक अलग मौजू है। अगर आपकी लेबर फोर्स 10-15 कम हो गई और आपकी प्रोडक्शन डबल हो गई तो आपका कॉस्ट बचेगी,
अच्छा, उसके बाद वो जो प्रोडक्शन जो है वो आपको सेल करेंगे आपकी नेशनल मार्केट में, और आपको जो सरप्लस होगा वो सेल करेंगे आप जो इंटरनेशनल मार्केट में, वहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी में ऐड होगा, आपकी इकोनॉमी जब पैसा ऐड होगा तो नए कारखाने नई इंडस्ट्री लगेंगी, तो वो फिर लोग वहां पे आपके कंपनसेट होंगे। जब पैसा आएगा तो नए कारखाने भी तो लगेंगे ना, नई इंडस्ट्री भी तो लगेंगी ना, बात समझ आ रही है? तो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, तो आपकी सेल में इंटरनेशनली भी इजाफा होगा, नेशनल तो इजाफा होगा, इंटरनेशनल इजाफा होगा, तो पैसा आएगा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, बात समझ आ रही है? जी जी सर। तो आपकी आपकी अगर इनकम देखना, आपकी एक फैक्ट्री थी, आपने दो फैक्ट्री और लगा ली, एक मेरा स्कूल था, मैंने दो स्कूल और बना ली, तो पैसा आएगा तो फिर होगा ना। तो वो जो लोग थे जो बेरोजगार हुए थे हम उनको कंपनसेट करेंगे। और टेक्नोलॉजी का मकसद जरूरी नहीं है, देखो मैं आज से बहुत पहले कंप्यूटर फील्ड में था, दोस्तों ये कहते थे कि कंप्यूटर आएगा तो वो लोगों को बेरोजगार कर देगा, कंप्यूटर आएगा बेरोजगार कर देगा, मगर मैं भी देख रहा हूँ इतने सालों से लोग को बेरोजगार तो हुए नहीं है कंप्यूटर आने की वजह से, जबकि जॉब्स और निकली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। आज देखो ना, आज हम एक टेक्नोलॉजी की वजह से क्लास ले रहे हैं ना, क्या हाल है? आज अगर ये जी सर। टेक्नोलॉजी ना होती तो हम क्लास कैसे लेते? कोरोना आ गया, सब लोग घर बैठे हुए, तो आपको पता है जब कोरोना आया था लास्ट ईयर, तो बहुत सारे लोगों ने घरों में बैठ के ऑफिस के काम किए। जब लोगों ने घरों में बैठ के ऑफिस के काम किए और लैपटॉप पे काम किया, अपनी अच्छा एजुकेशन का काम भी हुआ, असाइनमेंट बेस्ड भी हुआ, अकाउंट्स का हर चीज हुई, अच्छा बैंकिंग सेक्टर था वो भी ऑनलाइन था वो भी चलता रहा, तो क्या सबकी जॉब चलती रही ना इस टेक्नोलॉजी की वजह से? ये भी तो है ना, अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या करते आप? आपको पता है 1920 में भी एक ये यूरोप में इस तरह का आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, तो लोग सर बिल्कुल स्टक होकर घर बैठ गए थे, उस वक्त ये सिस्टम नहीं था आपका इंटरनेट का। तो टेक्नोलॉजी एडवांस करने से क्या होगा, आपकी फिजिकली ऑनलाइन एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, ये भी तो होता है। तो आप उसको आपका देखिए बेरोजगारी मैं नहीं समझता हूँ हो सकती थी, तो आप किसी और सेंस में इसको ले जाए, ठीक है? और कोई बात करें जी? सर दरअसल ना लास्ट क्लास में जब हमने मैक्रो पढ़ा था तो मैक्रो में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के ऊपर। जी, नहीं वो है, देखिए वो आप अपने सेंस में कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अगर आ रही है और आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, जो बंदा अपग्रेड नहीं करेगा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा, बात समझ आ रही है? हम 5 साल पहले जब पढ़ाते थे यूनिवर्सिटीज में तो हम हर काम मैनुअली करते थे, अटेंडेंस मैनुअली करते थे, रिजल्ट एंड मैनुअली बनाते थे, अब सारा काम ऑनलाइन है। अगर कोई टीचर को ये चीजें नहीं आती, मैनुअली आती हैं और टेक्नोलॉजिकल नहीं आती हैं, तो वो फेल है, उसके पास अगर ये टूल नहीं है तो मार्केट से बाहर हो जाएगा, बात समझ आ रही है? तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज जी सर। करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप यूज नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। और आने वाला वक्त तो ऐसा होगा कि जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल जिसको नहीं आते, चाहे उसके पास मास्टर की डिग्री हो, वो पढ़ा लिखा ही नहीं समझा जाएगा उसको। तो वो आपकी बात एक लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने उस हवाले से उस टेक्नोलॉजी के साथ जो वाबस्ता लोग थे, उस सिस्टम के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, वो बेरोजगार होंगे, मगर जब सिस्टम अपग्रेड होगा तो उनको अपने अपने साथ उस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप। आप देखें ना, 10 साल पहले एक मोबाइल था नोकिया मार्केट में, 10-15 साल पहले था। हेलो, जी और आपको जी सर। याद हो जब आप छोटे होंगे तो उस वक्त वो मार्केट में वो उसका एक बहुत बड़ा शेयर था मार्केट में। 3310 अच्छा, उसका मार्केट में बहुत शेयर था और वो मार्केट में पूरी दुनिया की मार्केट में उसका बहुत ज्यादा शेयर था, मगर आज नोकिया जो है वो पीछे रह गया है और बाकी कंपनीज आगे चली गई हैं। उसकी रीजन क्या है कि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उसकी और भी रीजन है बहुत सारी कि वो माइक्रोसॉफ्ट का अटैच हो गया, उसने एंड्रॉयड पे काम नहीं किया, तो ये भी चीजें होती हैं, ठीक है? आज नोकिया कहाँ है और बाकी कंपनीज कहाँ है? और ये देखें आप,
टेक्नोलॉजी से तो दूर जा नहीं सकते हैं। देखे ना, अब पहले वॉर्स कैसी होती थी, आपने वो ड्रामा देखा होगा अर्तुगरुल, आपने देखा किसी ने, उसमें वॉर्स पहले कैसी होती थी, अब वॉर्स कैसे होती है। आप अगर उस तरह से बोले जी नहीं हमने वैसी वार करनी है, तो आप देखे ना, अब वो वहां से कोई बटन दबाता है और वो मिसाइल आके लगता है आपको, तो हो नहीं सकता ना। मतलब आपको अपने आप को टेक्नोलॉजिकल तौर पे स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप को अपग्रेड करना है। अब उसमें कोई कंपनसेट नहीं कर रहा, तो वो कंपनसेट इसलिए नहीं कर रहा कि वो उस टेक्नोलॉजी की उसको प्रॉपर टेक्निकली नॉलेज नहीं होगी। मैं आपको एक एंड्रॉइड मोबाइल दे दूं और आप नोकिया पुराना वाला यूज करते थे, तो आपको अगर यूज करना नहीं आता तो आपके लिए वो यूजलेस होगा ना। आप मगर आप कसूर तो आपका है, क्योंकि आपको वो यूज करना नहीं आता। और अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, उसके पास मोबाइल नहीं है या उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो उस या उसको यूज नहीं करना आता, जूम सॉफ्टवेयर नहीं आता, या उसके पास ये टूल्स नहीं है, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, और आपको उस सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर ये चीजें ना ही आपके पास जूम सॉफ्टवेयर हो, ना मोबाइल हो एंड्रॉयड, ना इंटरनेट कनेक्शन हो, ना लैपटॉप हो, तो आप जूम क्लासे ले नहीं सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है, जो मैं समझता हूँ। तो भाई अपने आप को अपग्रेड करें आप, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करना है। अब जैसे मोबाइल है, उसके बहुत सारे नेगेटिव यूज भी हो रहे हैं, इंटरनेट के नेगेटिव यूज भी हो रहे हैं, तो हम उस तरफ भी चले जाते हैं ना, हम उसको पॉजिटिवली यूज करें, तो आपकी इकोनॉमी में इसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर उसके अल्टरनेट हैं। आज से 15-20 साल से मैं पहले सुन रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट से जॉब्स का सफाया कर देगी। मैंने ये देखा है कि मार्केट में जॉब्स बढ़ी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, बिलीव मी सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वाइड फील्ड है जिसमें मतलब बेरोजगारी का रेशियो जीरो है। तो मेरा जो पर्सनल, मेरे को, मैं इससे पहले जो था, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में था, मैं कंप्यूटर ही टीच करता था, और मेरा इंस्टीट्यूट भी था टीचिंग का, और मैं भी उसमें फील्ड में जॉब भी करता था। मैं ये जो हार्डवेयर का कंप्यूटर का काम मैं करता था, उससे पहले मैं नॉवल नेटवर्क पे मैं नेटवर्किंग करता था और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था, वेब डिजाइनिंग करता था। मैं पहले उस मार्केट में था, और वो उस वक्त यही सराउंडिंग थी कि यार इसने आके ना बहुत सारे लोगों को ना जॉब से हटा दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी चेंजिंग आएंगी, माशरे में चेंजिंग आती है, चीजों में आती है, आपने अपग्रेड करना है अपने आप को, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, आपकी एक मिनट के बाद जो है आपका ये सेशन भी एंड हो जाएगा, मैं फोरन ऑन करूंगा दूसरा सेशन। तो मैं इसी के ऊपर जो है आज एक असाइनमेंट भी दूंगा, इन चीजों के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं आज। एक मिनट के बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएं यंग लेबर फोर्स। अच्छा, यंग लेबर फोर्स जो है वो आपकी बात हो रही है, और यंग लेबर फोर्स जो है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको कोट किया था कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हैज अ यंग लेबर फोर्स विच कैन बी हार्नेस्ड फॉर इट्स ऑल एंड ग्लोबल इकोनॉमी। यानी आप उसको अपनी और अपनी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हार्नेस्ट कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं बेहतरी के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, आपकी जो इस वक्त पॉपुलेशन है इज मोर देन 20 या 22 करोड़ है, ठीक है, और इसमें मेरे हाल में 60% आर यंगस्टर्स, मेरे हाल में मोर देन 50-55-60% आर द यंगस्टर्स। और यंगस्टर ही जो होते हैं जो एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। अच्छा, किसी वक्त भी हमारी ये जूम मीटिंग एंड हो सकती है, मैं दोबारा से फौरन आऊँगा।